हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग न्यू लाइट रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों न्यू लाइट रेल जो होता है वो एक्चुअली मेट्रो यानी कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम्यूटर्स ट्रैवल करते हैं, और ट्राम्स जिसमें कम ट्रैवल करते हैं, उन सब के बीच की चीज़ है लाइट रेल्स। ये देखिए मेट्रो, मेट्रो में काफ़ी मास ट्रांजिट सिस्टम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक जब मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसके लिए मेट्रोस के लिए कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होता है। अब जो लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम्स है, देखिए LRT जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा कम है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसलिए कम आता है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे ही रहता है, आप देख सकते हैं रोड पर ही चल रहा है, जहाँ रोड पर जो रोड को जो डिवाइडर होते हैं डिवाइड करते हैं, वहाँ बीच में छोटे पतले ट्रैक्स डल जाते हैं। और क्योंकि ये लाइट रेल्स हैं तो इसके जो कोचेज हैं वो ज़्यादा चौड़े नहीं होते, 6-7 फिट की चौड़े होते हैं, 6 फिट के आसपास होती है, 7 फिट के आसपास होती है। तो इसके जो ट्रैक्स हैं वो भी बहुत ही नैरो, बहुत पतले डलते हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 ट्रैक डाल देते हैं डिवाइडर की जगह में, और आजू बाजू फेंस लगा देते हैं ताकि जो पब्लिक जो वहाँ से आसपास कार्स निकल रही उनको सेपरेट कर सके रोड को, दिक्कत ना हो, तो इसके आजू बाजू फेंस लग जाते हैं। और इनके जो स्टॉप्स हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे ही बनते हैं, और वो सिटी बस स्टॉप्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्टॉप, ये सिटी बस स्टॉप से थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि इसमें 3-4 कोचेस लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। अगर आपके पास ज़्यादा कम्यूटर है तो आप 2 कोचेस चलाएं, और ज़्यादा कम्यूटर है तो 3 कोचेस या 4 कोचेस लगा सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देखिए इसमें 4-5 कोचेस हैं, छोटे छोटे 5-6 कोचेस हैं। तो इस तरह से आप देखिए स्टॉप्स भी छोटे से हैं, सिटी बस स्टॉप से थोड़े से बड़े हैं, जिसमें 4-5 कोचेज आके आराम से स्टेशन हो सकें। दोस्तों इसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सस्ता होता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब इसका क्यों यूज़ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। आप मान सकते हैं कि छोटे शहरों के लिए ये बहुत बढ़िया है, जहाँ पर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ज़्यादा यूज़फुलनेस नहीं है, वायबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो बजट है वो उतना नहीं है, और उतने कम्यूटर्स जो नहीं है, उतने लोग नहीं है वहाँ पर सफ़र करने के लिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि छोटे शहरों के लिए तो मेट्रो नहीं, ऐसे लाइट रेल्स बहुत ज़्यादा माकूल चीज़ें हैं। छोटे शहरों में ऐसी चीज़ों को माकूल इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसमें 100, 150 और 200 लोगों को आप कम्यूट करा सकते हैं एक ट्रेन में, एक लाइट रेल में। तो दोस्तों जैसे छोटे शहर, मतलब जैसे जबलपुर, जोधपुर, या फिर हमारा इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कटक, सेलम, इस टाइप से, या कोझीकोड, या हुबली, या मैंगलोर, ये कर्नाटक में एक छोटा शहर है, या पंजिम गोवा के पास, गोवा में एक शहर है, या इस टाइप के जो छोटे शहर होते हैं जैसे अमृतसर, या फिर जहाँ पर उतने ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ लाइट रेल्स जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और यहाँ यूज़ करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत कम है, और लोगों को एक बहुत ही मॉडर्न एयर कंडीशन और बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी के नाम से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ भी है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, और ऑटोमेटिक गेट्स हैं, और बहुत अच्छी एयर कंडीशनड होती है लाइट रेल्स। अब दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसका क्या काम, देखिए दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑलरेडी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, यानी कि हमारी मेट्रो ट्रेन्स जो कि एक बार में 1,000, 1,500, 2,000 और 2,000 से ज़्यादा लोगों को कम्यूट करा के ले जा सकती है, और वहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है, तो लोग जो है कम्यूटर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में अगर किसी को एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन में जाना है तो बीच में वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सिटी बसेस का यूज़ करेगा, या फीडर, जिसको फीडर बसेस कहते हैं, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा। अब फीडर बसेस में भी अगर डीजल बस है तो वो पॉल्यूशन करेगा, CNG बस है तो वो थोड़ा कम पॉल्यूशन करेगा, और इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फ़िलहाल वो हमारे बड़े शहरों में ज़रूर आ चुकी है इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन दोस्तों क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा, इसलिए बहुत कम नंबर्स में है वो, उसकी जो यूनिट्स है बहुत कम यूनिट में है इलेक्ट्रिक बसेस हमारे देश में अभी। तो दोस्तों ये जो है ये अगर फीडर सिस्टम है हम लोग इसका यूज़ करते हैं लाइट रेल्स का, अगर एक बड़े मेट्रो स्टेशन से दूसरे बड़े मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए फीडर सर्विस के तौर पे, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बहुत यूज़फुल है। इसके बारे में दोस्तों आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी चल रहा है कोलकाता में, बेंगलुरु में, दिल्ली में,
और भी बहुत से ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर इसकी प्लानिंग चल रही है कि दो बड़े मेट्रो स्टेशन के बीच में अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए फीडर एज अ फीडर ट्रांसपोर्ट लाइट रेल्स को बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको डाला जाए, या फिर बड़े शहरों में ऐसे रूट्स जहाँ पर ज़्यादा कम्यूटर्स ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, या फिर बड़े शहरों के जो सबर्ब्स होते हैं जहाँ पर उतनी ज़्यादा पब्लिक जो है कम्यूट नहीं करता है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन जो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा मेट्रो रेल्स का, तो लाइट मेट्रोज वहाँ भी सूटेबल है। जैसे कि दिल्ली में, अगर दिल्ली में कुछ जगहों पे, जैसे सिटी में ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पर उतना ज़्यादा कम्यूटर्स यूज़ नहीं करते, कम्यूटर्स वहाँ उतने ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। अब लाइट रेल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, सेफ्टी फीचर्स जो इसके सेफ्टी फीचर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, साथ में एयर कंडीशनड है, बहुत कंफर्टेबल है, और इस तरह का जो मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लोगों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों बड़े शहरों में तो ज़रूर मिलता है, और हमारे छोटे शहरों में भी शायद इसकी प्लानिंग चल रही है कि छोटे शहरों में लाइट मेट्रो के नाम से इसको लॉन्च किया जाए, जैसे कि जबलपुर, रायपुर, जोधपुर, ग्वालियर, या इलाहाबाद हो या गोरखपुर हो, जहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, ये मतलब उतने बड़े शहर नहीं है, उतनी ज़्यादा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेट्रो ट्रेन बनाते हैं बड़े लेवल की तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, क्योंकि एलिवेटेड रहते हैं वो, स्टेशन ऊपर बनेंगे या तो अंडरग्राउंड रहेगा, ग्राउंड लेवल पे नहीं रहता है मेट्रो जो है, मास मेट्रो सिस्टम्स, तो या तो एलिवेटेड उसके पूरा ट्रैक्स जो है वो वायाडक्ट एलिवेटेड जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, उसमें स्टेशन भी एलिवेटेड रहेंगे, या अंडरग्राउंड रहेगा तो उसमें जो टनल मशीन्स है उसमें जो टनलिंग करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग करेगा, साथ में स्टेशन अगर अंडरग्राउंड बनते बहुत कॉस्टिंग करेगा, उतना ज़्यादा फंड रेज नहीं कर पाएंगे छोटे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उन छोटे शहरों के लिए ये बहुत ही बढ़िया लाइट रेल्स, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चलेगा। देखिए आप ट्रैक जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, या तो रोड के एकदम साइड में या तो रोड के बीचों बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, और हमारे छोटे शहरों में ऐसी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और जो लाइट मेट्रोज है वो शायद हमारे जो इंडिया के कुछ शहर है, जैसे कि अभी हम जो जबान पे आ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि रायपुर, जोधपुर, या फिर जबलपुर, या फिर इलाहाबाद, या फिर गोरखपुर हो, या सेलम हो तमिलनाडु में, मैसूर हो, या कोझीकोड हो, त्रिवेंद्रम हो, भुवनेश्वर हो, कटक हो, और भी ऐसे शहर हैं जैसे कि जोधपुर है राजस्थान में, कोटा है, राजकोट है गुजरात में, तो ये छोटे शहर हैं जहाँ आबादी उतनी नहीं है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, जहाँ पर आबादी 10 लाख, 15 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 16 लाख, इतने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते, तो लाइट मेट्रोज उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू दोस्तों, और दुनिया में मोहब्बत बांटे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और आप ज़रूर बताएं कि आपको लाइट रेल मेट्रोज कैसी लगी, मतलब शॉर्ट में लाइट मेट्रोज कैसा लगा, और लाइट मेट्रोज क्या आपके शहर में भी होना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं लाइट मेट्रोज के बारे में कि आपके शहर में होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।